फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से, वो भी May 28 को रिलीज होने वाली दो फिल्मों के बारे में। जहां दोस्तों अभी तक ऐसा लग रहा था कि अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के साथ कोई क्लैश नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी फास्ट एंड फ्यूरियस 9 ने अपनी रिलीज डेट May 28 से चेंज करके 25 जून कर दी है। लेकिन जैसे ही फिल्म की रिलीज डेट चेंज हुई फ्यूरियस 9 की, वैसे ही एक और हॉलीवुड फिल्म है द क्वाइट प्लेस 2, उसने अपनी रिलीज डेट चेंज करके अप्रैल से अब कर ली है May 28। ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ, अपडेट क्या है। जी हाँ दोस्तों, द क्वाइट प्लेस 2018 में फिल्म आई थी, जॉन क्रिसिंस्की की बहुत कमाल की फिल्म थी और मैंने देखी ये फिल्म, इसलिए मैं कह सकता हूँ। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक ऐसा है ना, और क्या बोलते हैं, मॉन्स्टर है जो आवाज सुन के वार करता है, तो यानी कि वहां पर सब चुपचाप ही रहता है, कोई आवाज किया मतलब वो जान से गया। तो उसका सीक्वल आ रहा है, एमिली ब्लंट है फिल्म में और जॉन क्रिसिंस्की हीरो भी है और डायरेक्टर भी है। और इसका सीक्वल वैसे March 2020 को आने वाला था, यानी पिछले साल रिलीज होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस ने सब माहौल चेंज कर दिया। उसके बाद ये फिल्म डिले हुई, September 2020 को इसकी रिलीज डेट तय हुई। उसके बाद ये फिल्म फिर भी इश्यूज हुआ तो इस साल अप्रैल महीने में तय की गई थी, 23 अप्रैल 2021। बट ड्यू टू करंट सिचुएशन द मेकर्स हैव कंफर्म दैट दे आर रिलीजिंग द फिल्म आफ्टर वन मंथ नाउ, दैट इज May 28, 2021। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज, विल अक्षय कुमार फिल्म बेल बॉटम फेस ए सीरियस क्लैश विद जॉन क्रिसिंस्की फिल्म द क्वाइट प्लेस 2? तो यहां पर बता दो, एक क्वाइट प्लेस 1 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी दोस्तों, और सेकेंड भी होगी और इंडिया में इसके फैंस है दोस्तों, लेकिन टक्कर बहुत बड़ी तो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि दोनों ही फिल्मों की ऑडियंस अपनी अलग अलग ऑडियंस है। यानी कि जो द क्वाइट प्लेस 2 देखने जाएगा वो शायद ही बेल बॉटम देखे या फिर दोनों ही फिल्म लोग देखे। तो कुल मिला के आई डोंट थिंक इट वुड बी ए सेवर क्लैश, या बहुत बड़ा क्लैश नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा सा डेंट तो लगाएगी बेल बॉटम में कलेक्शंस पर एक क्वाइट प्लेस 2। लेकिन अगर ये हिंदी में आई तो ज्यादा डेंट लगा सकती है, अदरवाइज कोई ज्यादा बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं। बट यस, हम है ना किस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। सो इट्स बेटर फॉर अक्षय कुमार टू डबल अप हिज प्रमोशन फॉर बेल बॉटम ऑल्सो, और एक टीजर ट्रेलर कुछ रिलीज करे एटलीस्ट अप्रैल महीने के स्टार्ट में, तो थोड़ा मजा आ जाए। तो कुल मिला के आप कितने शॉक सरप्राइज हो कि जो सोलो रिलीज होने वाली थी फिल्म बेल बॉटम, उसे अब एक क्लैश का सामना करना पड़ सकता है। चलिए फिल्म